नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में लू का कहर देखने को मिला है। यूपी में 57, बिहार में 51, ओडिशा में 20 लोगों की मौत हो चुके हैं। अब तक कुल 128 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा के पास एक तेज रफ्तार बस ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वो पुल से टकरा गई। हादसे में 26 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें दो गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की करेरी लेक में बाढ़ आने से 26 सैलानी फंस गए हैं। SDRF और मैक्लोडगंज पुलिस ने सभी का रेस्क्यू किया है। सभी सैलानी सकुशल धर्मशाला वापस लाए गए हैं। सभी कल सुबह करेरी लेक घूमने गए थे, अचानक से हुई बारिश के चलते बाढ़ आ गई थी। राजस्थान के पाली, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, टोंक, बूंदी, जयपुर, नागौर और जालौर में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक SUV वाहन में 3 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इनमें 2 बच्चे एक ही परिवार के हैं और भाई बहन है। पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना के बाद से बच्चों के परिजन बेहद सदमे में है। तीनों बच्चों के नाम तौफीक, आलिया और आफरीन है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रविवार को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी का पदाधिकारी शिविर आयोजित किया गया। उद्धव ठाकरे समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता इस मौके पर मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व CM ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने PM मोदी, अमित शाह और राज्य के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला। तमिलनाडु के कई जिलों में सोमवार को भारी बारिश और आंधी को देखते हुए चेन्नई समेत 5 जिलों के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। जिन जिलों के लिए छुट्टी घोषित की गई है उसमें चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और रानीपेट जिला शामिल है। इनमें से कई जिलों में कल यानी रविवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीकी यात्रा में अब चंद रोज ही बचे हैं, लेकिन वहां पर भारतीय मूल के लोगों में इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। वहां पर यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री के अमेरिका आगमन से पहले रविवार को वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने PM मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए एकता मार्च निकाला। जब शाहरुख खान की पठान साल 2023 की शुरुआत में रिलीज हुई थी तो इसने अपनी कमाई से फैंस को हैरान कर दिया था, लेकिन प्रभास की आदि पुरुष की कमाई तो शाहरुख खान की पठान से भी तेज नजर आ रही है। भारत में तो विरोध के बावजूद भी इस फिल्म को अच्छा कलेक्शन मिल रहा है। लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके लगे हैं। सुबह 9:50 पर यह झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिश्टर स्केल पर 4.2 रही। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में NBCN न्यूज पर। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।